हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ सीयूईटी ही नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने के, मैं उन क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेके आया हूँ आपके लिए। और उन क्वेश्चंस को हम बैठ के अभी डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में हर क्वेश्चन के बारे में हम समझेंगे कि वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। इसी के साथ, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वैसे ही मैं आपसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हैं वो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि गूगल जो है उसने लॉन्च किया है अपना नया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको बार्ड नाम दिया है उसने। और ये कम्पीट करेगा जो नया एआई आया है कुछ टाइम पहले मार्केट में, जिसका नाम है चैट जीपीटी, जो कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो उसको लेके गूगल काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और इस प्रोजेक्ट के ऊपर गूगल काफ़ी टाइम से काम कर रहा था जब से चैट जीपीटी आया था। क्योंकि चैट जीपीटी जो था, लोगों को ऐसा लगता था कि ये धीरे धीरे गूगल का मार्केट जो है उसे खा जाएगा, उसे कम कर देगा। इसीलिए गूगल ने जो है वो अपना नया सॉफ्टवेयर, एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाला है जिसका नाम है बार्ड। इसका जो एक्सेस है वो अभी दिया गया है सिर्फ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ ग्लिचीज हैं या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए लोग फीडबैक दे सकते हैं और गूगल फिर उनके ऊपर वर्क करेगा और उसको अच्छा बनाएगा। गूगल का मेन मोटिव यही है, इसके पीछे मेन मोटो यही है कि कैसे भी करके हमको चैट जीपीटी को पीछे छोड़ना है और उससे अच्छा जो है वो बन के रहना है। ये जो अभी सॉफ्टवेयर है, जो एआई है गूगल का, वो सिर्फ अभी यूएस और यूके के लोगों के लिए ही खुला है। यूके के और यूएस के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, जो कि कल ही लॉन्च हुआ है उनके लिए। और अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा आने में, लेकिन गूगल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द लेके आए और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ पाए। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, चैट जीपीटी या फिर गूगल। बट जीते जो भी, फ़ायदा उसमें इंसानों का ही होगा, फ़ायदा उसमें हमारा या आपका ही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि किस एक्ट्रेस ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है 2023 में जो हुआ है अभी कुछ दिन पहले, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है। तो इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होता क्या है। तो ये समझने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये एक एनुअल इवेंट होता है, यानी कि साल में एक बार होता है, जो कि मुंबई में होता है, जो हमारे भारत में है। और यहाँ पे बेस्ट इंडियन सिनेमा को, इंटरनेशनल सिनेमा को अवार्ड मिलता है। इसको नाम दिया गया था दादा साहेब फाल्के के ऊपर। दादा साहेब फाल्के जो है उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है और उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया था। इस अवार्ड के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके अंदर जिन्होंने भी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, जैसे कि एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, राइटर्स, टेक्नीशियंस, इन सभी को इसमें सम्मानित किया जाता है और अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म और कई सारे अलग कैटेगरीज भी हैं जिनमें इस अवार्ड को दिया जाता है। जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है उसको कंसीडर किया जाता है इंडिया के अंदर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से। और इसको जीतने वाले काफ़ी लकी होते हैं और काफ़ी हार्डवर्किंग लोग होते हैं जो कि इस अवार्ड को जीतते हैं। ये अवार्ड सेरेमनी जो है इसको की जाती है नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, उनको जो फिल्म मेकर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, इंकरेज देने के लिए, ताकि वो सोशली रिलेवेंट फिल्म्स बनाए जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर मूवीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, मूवीज़ बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो जो आंसर होगा इसका वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जी जो हैं उनको इंटरनेशनल, आलिया भट्ट जो हैं उनको इंटरनेशनल फिल्म
आलिया भट्ट जो है उनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, और इनको ये अवार्ड मिला है जो संजय लीला भंसाली की फिल्म थी जो कि साल 2020 में आई थी, सॉरी जो साल 2022 में आई थी, उस फिल्म के लिए इनको अवार्ड मिला है। फिल्म का नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। कुछ और सेलिब्रिटीज जो थे वो इस फिल्म फेस्टिवल में आए हुए थे जैसे कि वरुण धवन, रोनित रॉय, श्रेयस तालपड़े, आर बाल्की, साहिल खान और जयंतीलाल गड़ा, इस विवेक अग्निहोत्री, ऋषभ शेट्टी, इस तरीके के काफ़ी काफ़ी सारे जो बॉलीवुड के लोग थे वो इस अवार्ड फंक्शन में आए थे, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडिया का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो है हमारा अगला तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली सीईओ और स्टारबक्स किसको बनाया गया है। तो आप सब ने जरूर कभी ना कभी स्टारबक्स विजिट किया होगा, या अगर आपने विजिट नहीं किया तो नाम तो जरूर सुना होगा। ये कॉफी चेन है जिसके अंदर टाटा जो हमारी इंडिया की कंपनी है उसका भी काफ़ी शेयर है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, स्पेशली जो कि जो टीनेजर्स हैं उनके बीच में स्टारबक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो होवार्ड जो थे वो यहाँ के पहले सीईओ थे, और उसके बाद जो नए सीईओ बने हैं इनका नाम है नरसिम्हा। नरसिम्हन जो है वो नए स्टारबक्स के सीईओ बने हैं, और वो साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होंगे और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स में भी होंगे। और जो पहले सीईओ थे उनको ये काम दिया गया है कि जब तक ये अपनी काम पूरी तरीके से सीख ना जाए तब तक वो इनकी मदद करें। अगला क्वेश्चन है कि जो फिल्म डायरेक्टर हैं आर बाल्की, उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2023 में किस मूवी के लिए। तो देखिए जो फिल्म मेकर हैं आर बाल्की वो बहुत अनकन्वेंशनल स्टोरी लाइंस देते हैं अपने फिल्म के अंदर। जैसे कि इनके कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट्स अगर देखे जाएं तो आपने इनकी एक मूवी देखी होगी पा। पा मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन थे लीड रोल में, और किस तरीके से उसके अंदर दिखाई गई हैं चीज़ें वो सब हमने देखी हैं, आपने भी देखी है। उसके बाद एक इनकी काफ़ी पॉपुलर फिल्म थी चीनी कम, जिसमें अमिताभ बच्चन और तब्बू जो एक्ट्रेस हैं वो थी, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को पेश किया है। और जिस फिल्म के लिए इनको फिर से मिला है अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल बेस्ट मूवी के लिए, उस फिल्म का नाम है चुप। चुप मूवी जो है वो बेस्ट डायरेक्टर के लिए इनको अवार्ड मिला है, और जो बेस्ट नेगेटिव रोल जो है उसके लिए भी इसी फिल्म को अवार्ड मिला है, जिनका नाम है दुलकीर सलमान। वो इस मूवी में नेगेटिव रोल में थे, उनको ये बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला है। ये मूवी एक स्पाइन चिलिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हुई, और इस मूवी को आप जो है वो G5 जो है उसके ऊपर देख सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर मूवी है, और इसी वजह से और बहुत अच्छी मूवी होने की वजह से आर बाल्की जो है उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला जो है हमारा वो है किस एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो उसके लिए मिला है रणबीर कपूर को। रणबीर कपूर ने जो ब्रह्मास्त्र में रोल किया था शिवा का, उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है हमारे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन्स 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो जेलेंस्की थे। जेलेंस्की जो है टाइम्स मैगजीन एक बहुत ही रेप्यूटेटेड मैगजीन है जिसके फ्रंट पेज पे जेलेंस्की को रखा गया और मैन ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। जेलेंस्की जो है वो छठे सिक्स प्रेसिडेंट है यूक्रेन के। 20 मई 2019 को ये प्रेसिडेंट बने थे, और जब से प्रेसिडेंट है ये पहले एक कॉमेडियन और एक एक्टर हुआ करते थे, और इनका पॉलिटिक्स में बहुत कम एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बाद इन्हें देश ने चुना एज अ प्राइम प्रेसिडेंट 2019 में, और जब से जेलेंस्की जो है उन्होंने बहुत अच्छे से इस पोस्ट को निभाया है। और प्रेसिडेंट बनने से पहले ये पॉलिटिक्स में नहीं थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले इनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, किसी और पोस्ट पे इन्होंने काम नहीं किया था। पूरा वर्ल्ड जो है वो जेलेंस्की को उनकी ब्रेवरी के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो
काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेज़ करता है। और इसी के साथ जो रशियन इन्वेजन है जो कि फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, उसके अंदर किस तरीके से जेलेंस्की अपने देश को लीड कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। और बहुत कम ऐसे नेता होते हैं, बहुत कम ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं जो अपने देश को इस कंडीशन में भी रखते हैं। नहीं तो हमने कई बार देखा है कि कोई भी युद्ध जब शुरू होता है तो उस देश का जो लीडर है वो भाग जाता है दूसरे देश या फिर कहीं छुप जाता है, लेकिन ये शुरू से जो है वो लड़ते रहे हैं और शुरू से ये अपने देश को साथ लेके चले हैं। यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, अभी कुछ समय पहले अगर आपको ध्यान होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एक नया हैप्पीनेस इंडेक्स आया है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा खुश है, उसके अंदर आपने देखा था कि जो इंडिया था, इंडिया की रैंक 136 थी उसके अंदर। और वहीं पे अगर आप देखोगे यूक्रेन, जहाँ पे वॉर चल रही है, जहाँ लाखों लोग जो हैं वो माइग्रेट करके पोलैंड, जर्मनी ऐसे देशों में चले गए हैं एज अ रेफ्यूजी रहने के लिए, उस देश को भी उस लिस्ट के अंदर 108 रैंक दी है, 108 रैंक दी गई है, यानी कि भारत से ज़्यादा खुश वहाँ के लोग हैं। इसके ऊपर उस इंडेक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। इवन जो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है हम सब जानते हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है हम सब जानते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने सऊदी अरेबिया से लोन लिया है जिसके लिए उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट टफ टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ी है, फिर भी उन्होंने उस लोन को लिया है। उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्टिल उनको 103 पोजिशन पर रखा गया है, और हमारे देश को जो कि इतना अच्छा कर रहा है उसको हमने रखा है, उसको उन्होंने रखा है 100 एंड उसको उन्होंने रखा है इतने खराब रैंक पे, 136 रैंक पे। तो ये क्या है, ये कोई नहीं जानता क्यों रखा गया है ऐसा, और काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर उस इंडेक्स का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। अगला जो है हमारे देश की बेटी, किनको कौन है वो जो फर्स्ट महिला बनी है, पहली महिला ऑफिसर बनी है जो कि सियाचिन में एक्टिवली डिप्लॉयड है। सियाचिन ग्लेशियर जैसा आप सब जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों पे नज़र रख सकते हैं हम वहाँ से। वहाँ पे पहली बार जो है एक फीमेल को, एक हमारे देश की बेटी को डिप्लॉय किया गया है। इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान, एक ऑफिसर हैं ये जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के बैकग्राउंड से हैं, और ये पहली महिला बनी है जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉयड है सियाचिन में, जहाँ पे एल्टीट्यूड जो है वो है 15,632 फीट, जहाँ पे मैं या आप जैसे लोगों के लिए ब्रीद करना भी मुश्किल होगा, सांस लेना भी मुश्किल होगा। वहाँ पे ये हमारे देश की बेटी जो है वो देश की सुरक्षा कर रही हैं और देश का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो न्यू नेम है प्रेसिडेंट गार्डन का, पहले इसका नाम मुगल गार्डन था, अब इसका नाम क्या है, तो इसके नेम को रीनेम किया गया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि नेम्स चेंज करती है हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, लेकिन हमें क्रिटिसिज्म से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका नेम क्या है और इसका न्यू नेम क्या है, इसको रीनेम करके क्या नेम रखा गया है, एंड द सेकेंड थिंग इज कि इसके हिस्ट्री क्या है। तो थोड़ा सा हम मुगल गार्डन की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुगल गार्डन विजिट किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने विजिट किया होगा शायद उनको भी ये इतिहास नहीं पता होगा, तो मेरा काम है आपको इस चीज़ के बारे में बताना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो मुगल हैं उन्हें गार्डन्स को लेके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, उनको गार्डन्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, उनको बगीचे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो जो किताब है बाबरनामा, मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबरनामा जो बुक है वो किसने लिखी है, फटाफट जाके आप नीचे कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि बाबरनामा बुक जो है वो किसने लिखी है। बाबरनामा जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि जो गार्डन है, यानी कि जो फेवरेट गार्डन है किसी भी इंसान के लिए जो कि मुगल है या फिर जो बाबर हैं, उनका जो फेवरेट तरीके का गार्डन है वो है पर्जियन चारबाग स्टाइल का, यानी कि पर्जियन चारबाग, चार यानी कि 1 2 3 4 चार, और बाग मीन्स गार्डन, तो जिसका मतलब होता है लिटरली 4 गार्डन। ठीक है, जो चार बाग का स्ट्रक्चर होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन शो करता है यूथोपिया का, बेसिकली जन्नत का। तो अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे ये शो करने की कोशिश की जाती है उस चार बाग के अंदर कि जो ह्यूमंस हैं और जो एलिमेंट ऑफ नेचर हैं वो इस सिटी
समाज के अंदर, इस धरती के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ साथ रह रहे हैं। अगर इसी को थोड़ा और अच्छे से मैं बताऊं तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जो गार्डन होता है, जिसे चार बाग बोलते हैं, वो चार हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, वो चारों एक ही साइज के, एक ही शेप के होते हैं, इक्वल सेक्शंस के होते हैं। इन गार्डन्स के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो पहले मुगल्स हमारे यहाँ रूल करते थे, तो जहाँ जहाँ वो रूल करते थे, अक्सर ऐसे मोनूमेंट्स पे, ऐसी फेमस जगहों पे आपको ऐसे गार्डन मिल जाएंगे। जैसे कि आपने अगर दिल्ली में हुमायूं टॉम देखा होगा, यानी कि हुमायूं का मकबरा, वहाँ भी आपको ऐसे चारों तरफ उस मोनूमेंट के ऐसे जो हैं बाग वो मिल जाएंगे, ऐसे गार्डन आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आप अगर देखोगे तो निशांत बाग जो है, जो कि श्रीनगर में है, वहाँ भी आपको ऐसे चार अलग अलग टाइप के, चार अलग अलग सेम शेप के गार्डन मिल जाएंगे। और इन सबको बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बनाया गया है, जो कि क्योंकि जैसा बाबरनामा में लिखा है कि ये चीज़ मुगल्स को बहुत ज़्यादा पसंद था। इन गार्डन्स की एक डिफाइनिंग फीचर्स ये होता है कि यहाँ पे वाटर वेज होते हैं, यानी कि आप इन गार्डन के किनारे देखोगे तो आपको पतली पतली नालियाँ जैसी दिखेंगी जिनमें से पानी बहता है। इसको क्यों किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, तो उसके पीछे देखो क्या कारण है। एक तो जो गार्डन का फ्लोरा है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पौधों को पानी चाहिए। दूसरा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं एस्थेटिक का, यानी कि गार्डन को अगर बहुत सुंदर बनाना है, उसके बीच से अगर पतली सी नाली जैसी बनी हुई एक धारा है जिससे पानी बह रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसीलिए एक वो ज़रूरी है। कई जगहों पे आपको ऐसे गार्डन में फाउंटेन्स मिलेंगे, यानी कि फवारे मिलेंगे। अब फवारे हम जब देखते हैं किसी गार्डन के अंदर, तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो एक फवारा है, एक फाउंटेन है, लेकिन वो साइकिल ऑफ लाइफ लाइफ को बताता है, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती है। आप देखोगे कि पानी पहले नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, तो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। और हमारा जीवन भी वैसा ही है, कुछ चीज़ों के अराउंड हमारा जीवन जो है बिल्कुल गोल गोल घूमता रहता है। तो ये फाउंटेन्स जो होते हैं गार्डन के, ये उस चीज़ को शो करते हैं। कभी आप अगर गार्डन में जाएं जहाँ पे फाउंटेन हो, स्पेशली ऐसे गार्डन में जो मुगल एरा में बनाए गए थे, तो ज़रूर आप इस चीज़ को देखिएगा। अब हम प्रेसिडेंट के जो मुगल गार्डन है उसकी बात करते हैं। तो 1911 में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया की कैपिटल जो है उसको कैलकटा से दिल्ली की जाएगी, कैलकटा जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ये एक नया कंस्ट्रक्शन होना था, पूरे एक नए शहर को बसाना था दिल्ली के अंदर, जिसे नई दिल्ली बोला गया। और यहाँ पे दिल्ली को एक सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कॉलोनी बनाना था ब्रिटिशर्स को। लगभग 4,000 एकड़ की जमीन जो थी उसको एक्वायर्ड की गई, उसको एक्वायर किया गया, और उसके ऊपर वाइसराय हाउस जो था उसकी शुरुआत की गई। सर एडविन ल्यूटियंस जो थे वो पहले व्यक्ति बने जिनको यह टास्क दिया गया कि आपको डिज़ाइन करना है और आपको एक बिल्डिंग बनानी है जो कि रेजिना हिल के ऊपर बनेगी। ल्यूटियंस जो थे उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, अलग अलग एलिमेंट्स को मिस की अलग अलग एलिमेंट्स को मिक्स किया, जैसे क्लासिकल यूरोपियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्टाइल, और इस तरीके से उन्होंने एक यूनिक एस्थेटिक सा जो था वो शहर का और एक बिल्डिंग का निर्माण किया। जो वाइसराय का जो हाउस था उसके अंदर बहुत बड़े गार्डन बनाए गए उसकी शुरुआत में, रियर में सामने। और जो इनका इनिशियल प्लान था वो ये था कि एक गार्डन बनाना है जो कि ट्रेडिशनल ब्रिटिश सेंसिबिलिटी इन माइंड हो, यानी कि दिमाग में रख के बनाना है। और लेडी हार्डिंग जो थी, लेडी हार्डिंग नाम का एक दिल्ली में हॉस्पिटल भी है एक नॉट प्लेस के पास, तो लेडी हार्डिंग जो थी, जो कि वाइफ थी उस समय के वाइसराय की, उन्होंने बोला कि एक मुगल स्टाइल गार्डन बनाओ इस घर के आगे। और ये बोला जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी 1913 में जो एक पुस्तक लिखी गई थी, गार्डन्स ऑफ द ग्रेट मुगल्स, इस किताब से। उन्होंने जब लाहौर और श्रीनगर का मुगल गार्डन देखा था, तब उन्हें ये रियलाइज हुआ था कि उनको ऐसा एक गार्डन चाहिए घर के बाहर। तो उन्होंने उसके बाद बोला कि मेरे घर के बाहर एक ऐसा ही गार्डन बनाओ। ये गार्डन का जो लेआउट था वो 1917 में ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन जो पौधे लगाने का काम था, यानी कि जो अलग अलग रोजेज लगाने का काम था, फ्लावर्स लगाने का काम था, वो शुरू हुआ 1928 और 1929 के बीच में। उस समय जो हॉर्टिकल्चर जो के जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था विलियम, विलियम ने कई सारे प्लांट्स लगाए उस गार्डन के अंदर,
उन्हें बहुत ज़्यादा स्किल, उन्हें बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी रोज़ेस को उगाने में, डिफरेंट टाइप ऑफ गुलाबों को उगाने में, जो कि उन्होंने उगाए। लगभग 250 तरीकों के गुलाब उन्होंने उसके अंदर उगाए, जो मुगल गार्डन था, जिसे आज हम अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं, जिसका नेम रीनेम किया गया है। और 1931 के अंदर जो था, इन्होंने कई सारे रोजेज उगाए, और उन्होंने बोला, जो लेडी हार्डिंग थी, कि ऐसे गुलाब उन्होंने कभी नहीं देखे, पूरी दुनिया में इतने सुंदर गुलाब्स नहीं देखे। बाद में अलग अलग तरीकों के और फूल और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस गार्डन में ऐड हुई, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पहले प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? जल्दी जल्दी जाइए और नीचे कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट चेक करूंगा। जैसे मैंने पिछली वीडियोस पे सबके रिप्लाई करे थे, वैसे ही मैं सबकी वीडियोस पे रिप्लाई करूंगा, सबके कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा। तो आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट कीजिए। अगला है, शहीद दिवस को हम किस दिन मनाते हैं? तो शहीद दिवस को हम 23 मार्च को मनाते हैं। किस लिए? क्योंकि इस दिन 23 मार्च 1931 को जो ट्रियो था, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इन तीनों क्रांतिकारियों ने अपना जीवन जो है वो इस देश के लिए समर्पित किया था, इस देश की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए समर्पित किया था, और इसीलिए आज के दिन को मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। बच्चा बच्चा जो है वो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को बहुत अच्छे से जानता है। ओके, सेकंड, अफ्रीका इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको नाम दिया गया था एफएनडेक्स, AFINDEX 2023, ये पुणे इंडिया में शुरू हुआ था। पुणे महाराष्ट्र का एक स्टेट है। जो सेकंड एडिशन है, ये अफ्रीका फील्ड, इसका फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ये इंडिया और 23 अलग अलग अफ्रीकन नेशंस के बीच में हुआ था, जिसके अंदर कई सारे कंट्रीज जो थे वो आए थे। ये एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने अपना योगदान दिया। इसके अंदर काफ़ी सारे देश थे अफ्रीका के, जैसे कि इथियोपिया, इजिप्ट, कैमरून, मोरक्को, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, सूडान, साउथ अफ्रीका, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। तो ऐसे कई सारी कंट्रीज जो हैं, टोटल 23 कंट्रीज थी अफ्रीका की, जिन्होंने इसके अंदर आके पार्टिसिपेट किया था, और ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, या फिर जिसको अक्सर हम जानते हैं वर्ल्ड टीवी डे के नाम से, टीवी एक बीमारी होती है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 मार्च को। यानी कि 24 मार्च को हर साल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है, वर्ल्ड टीबी डे, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो अवेयरनेस है उसको फैलाया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि इसका हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सोशल लाइफ के ऊपर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, और इस एपिडेमिक को कैसे रोकना चाहिए, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 मार्च 1882 को जो डॉक्टर रॉबर्ट कॉक थे, इन्होंने अनाउंस किया था कि इन्होंने जो बैक्टीरियम है जो कि ट्यूबरक्लोसिस को फैलाता है, जो ट्यूबरक्लोसिस जिससे होता है, वो उन्होंने डिस्कवर कर लिया है, उन्होंने ढूंढ लिया है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, उसने टीबी को रिकॉग्नाइज किया है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज। यानी कि इस, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाले बीमारियों में से एक है। इससे लगभग 2020 में, जिस साल कोविड शुरू हुआ था, उस साल 15 लाख लोग मरे थे कोविड से, नहीं, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी, ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से 15 लाख लोग मरे थे पूरी दुनिया में। टीबी जो है ये हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और जब ये लंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है तो ये हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है, जैसे कि कई लोगों के ये स्पाइन में हो जाता है, कई लोगों के ये पेट में हो जाता है, इंटेस्टाइन में हो जाता है। ये टीवी जो है ये स्प्रेड होता है एयर से, यानी कि हवा के थ्रू। जब कोई टीवी का जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, वो कफ करता है, खांसता है, बात करता है,
तो उसके जो इन्फेक्शन है वो एयर में रिलीज हो जाते हैं और इस वजह से जो है वो लोगों के बीच में ये बीमारी फैल जाती है। वर्ल्ड टीबी डे एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है एजुकेट करने को पब्लिक को, ताकि जो सिम्टम्स हैं टीबी के, जो साइंस हैं टीबी के, उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके। और अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है इसका। जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है टीबी का वो भी मिल गया है आजकल, लेकिन उसको समय पे करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वर्ल्ड टीबी डे एक तरीके से रिमाइंडर होता है गवर्नमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और हर व्यक्ति के लिए कि हर इंसान अपने पैमाने पे स्टेप्स उठाए ताकि टीबी को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि ट्रीटमेंट अच्छा किया जाना चाहिए, डायग्नोसिस अच्छा किया जाना चाहिए। इसको जो एक तरीके से टैबू माना जाता है, एक तरीके से इसको बहुत खराब माना जाता है, ऐसा ना किया जाए। लोगों को मौका देना चाहिए, लोगों के साथ नॉर्मली बिहेव करना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रिवेंशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी इन दिसंबर 2022? तो इसका सही आंसर जो है वो है सितवेनी राबुका, जो कि फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और इन्होंने जो पिछले 16 साल से पावर में थे, जिनका नाम था फ्रांक बेनी मरामा, उनको इन्होंने अपनी सत्ता से हटाया है। और सितवेनी राबुका जो है, जो कि ऑप्शन सी है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट 2022 पब्लिश लिस्ट बाय आर्ट एंड कैपिटल। ओके, तो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो है वो पब्लिश किया गया है आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा, और इसके अंदर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पासपोर्ट को जो है वो रैंक किया जाता है। पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो कि लोगों को ये आज़ादी देता है, लोगों को ये परमिशन देता है कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। और इंडिया में इसका जो ऑप्शन 7 है, सॉरी जो ऑप्शन डी है, उसे नाम दिया गया है, 87th रैंक दी गई है इंडिया के पासपोर्ट को। आपको जल्दी से कमेंट करना है कि इंडिया का जो आपको कमेंट करना है कि जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, जिसको फर्स्ट रैंक दिया गया है, उसका उस कंट्री का क्या नाम है। जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। ओके, फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स, कौन सा कंट्री है जिसने लीगल राइट्स दिए हैं? जैसे कि इंसानों को लीगल राइट्स होते हैं, वैसे ही एनिमल्स को भी लीगल राइट्स मिलने चाहिए। तो ऐसा कौन सा कंट्री है? तो जैसा कि आप देखते हैं कि इंसानों के द्वारा जो एनिमल्स को अब्यूज़ करने की घटनाएं हैं, वो समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। साउथ अमेरिका का एक कंट्री, उसने पहली बार दुनिया में ये एक सही फैसला लिया है कि वाइल्ड एनिमल्स को भी सारे राइट्स मिलने चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं, और वो आराम से जी सकें, उन्हें किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। इक्वाडोर जो है, जो कि एक साउथ अमेरिका की कंट्री है, वो पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने लीगल राइट्स दिए हैं वाइल्ड एनिमल्स को। जो हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का, उसने एक केस के ऊपर ये फैसला सुनाया था कि एक वुली मंकी था जिसको उसके घर से उठा के लोग जू ले गए थे, चिड़ियाघर ले गए थे, जहाँ पे वो मंकी बिचारी एक हफ्ते बाद ही मर गई। ये सिर्फ इसलिए हुआ मानव के क्रूरता की वजह से, हम उस एक नन्हे से जीव को उसके जंगल से, उसके घर से उठा के उसको एक चिड़ियाघर में रखा है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसी पे फैसला सुनाते हुए इस कंट्री ने एक एग्जाम्पल सेट किया है और सारी दुनिया को बताया है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, हर एनिमल को भी जीने का अधिकार है और जो एनिमल राइट्स हैं वो भी मिलने चाहिए। जो जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स ह्यूमन को मिलते हैं, इसी तरीके से एनिमल्स को भी लीगल राइट्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन। ओके, तो मिसेस वर्ल्ड, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था मिस वर्ल्ड कौन है। यहाँ पे मिसेस वर्ल्ड है, मिसेस मीन्स होता है जो मैरिड होती हैं। इनका नाम है सरगम कौशल, इन्हें ये खिताब मिला है सन 2022 में, और इससे पहले 2001 में मिला था अदिति नाम की एक महिला थी, उनको ये अवार्ड मिला था सन 2001 में। और उसके 21 साल बाद जो है वो इंडिया की एक लड़की को मिला है, एक लेडी को मिला है जिनका नाम है सरगम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमवी गंगा विलास क्रूज, तो
तो ये काफी लग्जीरियस क्रूज है जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी शुरुआत की थी, जिसका उद्घाटन किया था। ये क्रूज जो है ये वाराणसी यानी कि यूपी से होते हुए गाजीपुर, बक्सर यानी कि बिहार में, पटना, सिमरिया, मुंगेर, साहिबगंज, फरक्का, कोलकाता, ढाका होते हुए लगभग लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगी, जिसमें 52 दिनों के सफर में क्रूज भारत व बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा और देश की कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों सहित 50 से अधिक विरासत स्थलों पर रुकेगा। इसके अंदर पहली बार 32 अप्रोक्स 32 जो है वो लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं और वो सब जो है वो स्विट्जरलैंड के हैं और ये काफ़ी महंगा एक क्रूज है। इंडिया के पहले मिशन का नाम क्या है सन को स्टडी करने वाला? तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसने प्लान किया है कि वो आदित्य L1 मिशन जो है उसको जून या जुलाई में इस साल लॉन्च करेगा और ये इंडिया का स्पेस मिशन होगा जिसके अंदर सन को और जो सोलर कोरोना है उसको हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और हम उसके बारे में नई नई डिस्कवरीज करेंगे। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप बताइए कि इसरो के चेयरपर्सन का नाम क्या है, जो इसरो के चेयरमैन है, जो हेड है इसरो के, उनका क्या नाम है? जल्दी से जाइए और कमेंट कीजिए, मैं सभी के कमेंट्स चेक करूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? तो फॉर्चुनेटली चेनाब रिवर ब्रिज जो है वो बिगेस्ट सिविल इंजीनियरिंग चैलेंज था इंडियन रेलवे के लिए। यहाँ पे कंक्रीट का एक आर्च ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है बाकाल और कौरी जो कि डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के, उनके बीच में, जो उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक है जिसे USBRL भी बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट है एम करने के लिए कनेक्टिविटी जम्मू और कश्मीर के अंदर। जो कंस्ट्रक्शन है चेनाब रिवर का वो कौरी रीजन में हुआ है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ये ब्रिज जो है वो काफ़ी ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस ब्रिज के अंदर कि ये 1315 मीटर लंबी है और ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनती है इसी के कारण दुनिया की। ये ब्रिज जो है ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है जो कि एफिल टावर फ्रांस में है। आपको इसका भी आंसर बताना है कि एफिल टावर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था जिन्होंने एफिल टावर बनाया था। जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। एफिल टावर जो कि पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल में, उससे भी ये 35 मीटर ऊंचा है और इसको डिज़ाइन किया गया है अगर 266 किलोमीटर पर आर की गति से भी अगर हवाएं चलेंगी तो भी इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा और ये अर्थक्वेक को भी काफ़ी आसानी से जो है वो हैंडल कर सकता है। इवन जोन 5 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक को भी बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है, नेम द फोटोग्राफर हु वॉन द प्रेस्टिजियस नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड विथ हिज फोटोग्राफ टाइटल्ड डांस ऑफ द ईगल्स February 2023। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर थे जो कि हॉबी के तौर पे फोटोग्राफी करते थे, जो कि सिलिकॉन वैली से थे, उन्हें नेशनल ज्योग्राफी का बेस्ट एवर जो अवार्ड मिलता है पिक्चर ऑफ द ईयर वो अवार्ड मिला है। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो 3 बर्ड्स को दिखाया गया है, बाल्ड ईगल्स हैं ये, जिस प्रजाति से आते हैं उनको बाल्ड ईगल्स बोलते हैं। ये बैटल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर अपनी जगह बनाने के लिए। ये फोटो जो है ये अलास्का के चिलकट बाल्ड ईगल्स प्रिजर्व से ली गई है। कई डिफिकल्ट कंपटीशन के बाद, काफ़ी टफ कंपटीशन के बाद जो कार्तिक सुब्रमण्यम है उनको डांस ऑफ द ईगल इस फोटो के लिए बेस्ट फोटोग्राफर पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और इसी के साथ इनको एक बहुत बड़ा जो है वो ग्रैंड प्राइज भी मिला है। नेक्स्ट है, हल्द्वानी टू गेट अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। देहरादून में मार्च 2023 को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो है जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने थर्सडे को बोला कि जो गवर्नमेंट है वो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएगी कुमाऊं रीजन जो है उत्तराखंड का हल्द्वानी टाउन में। धामी ने कहा कि अनाउंसमेंट की जा रही है उनके सरकार के एक साल पूरे होने पे
और उन्होंने कहा कि कई सारे सेवरल स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे, इसीलिए अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पे हम इसका शुरुआत करते हैं, हम इसको अनाउंस करते हैं। जो अभी हल्द्वानी के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम ऑफ हल्द्वानी है, उसी को आगे चल के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर अपग्रेड किया जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा। अगला है कि किन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को रिप्लेस किया है और नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्रा कुमार, ये अपॉइंट किए जाएंगे न्यू वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर पे। इन्होंने जो रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को नए आर्मी चीफ के तौर पे, और ये जो है वो नए आर्मी चीफ वाइस आर्मी चीफ बनेंगे। अगला है जॉर्जिया मेलोनी, सी इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो 2 दिन की विजिट पे आई थी इंडिया थर्सडे को, और इनके साथ जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इसी के साथ साथ जो कई सारे हाई पावर्ड बिजनेस डेलीगेशन जो थी वो इनके साथ आई थी इटली से इंडिया के अंदर। इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, हमारे प्रेसिडेंट से मुलाकात की, और हमारे जो एस जयशंकर मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की। तो कौन है ये जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे जैगवार और लैंड रोवर के इंडिया के अंदर, या जो बन चुके हैं एक्चुअली? तो इनका नाम है राजन आम्बा। राजन आम्बा जो है ये इससे पहले टाटा मोटर्स में थे, और टाटा मोटर्स में बहुत अच्छा काम करने की वजह से अब इनको जो टाटा की ही 2 लग्जरी सेगमेंट की कंपनीज हैं जो कि है जैगवार और लैंड रोवर, उनका इनको MD बनाया गया है, ताकि ये उन कंपनीज को भी टाटा की तरह ही, टाटा मोटर्स की तरह ही ऊंचाइयों पे पहुंचा सके, तरक्की पहुंचा सके। भोला तिनुबु जिन्हें इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट, वो कौन सी कंट्री से हैं? तो ये नाइजेरिया के हैं, इन्हें 1 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है, और ये जो हैं ये ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और इन्होंने ये इलेक्शन जीता है। ये नाइजेरिया के 5वें प्रेसिडेंट बने हैं जब से उस देश को डेमोक्रेसी मिली है, जब से उस देश ने डेमोक्रेसी अपनाया है, और जब से इस देश ने डेमोक्रेसी अपनाया है तब से ये जो है ये 5वें प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज की रैंक है, आपको जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में ही बता दिया, फिनलैंड जो है उसको कई सालों से लगातार सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री का अवार्ड मिल रहा है। इसी के साथ जो चेक रिपब्लिक है उसको 20th नंबर का मिला है, इंडिया को 136th नंबर का मिला है। तो आप एक बार ये लिस्ट ज़रूर देख लें कि किस कंट्री को कौन सा रैंक मिला है। अगला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए किसको अवार्ड दिया गया है बॉलीवुड में? तो बॉलीवुड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए रेखा को अवार्ड दिया गया है। रेखा इनको सब जानते हैं, इनको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इनको जो है वो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है फीमेल कैटेगरी में नीति मोहन को, जो इनका एक काफ़ी फेमस सॉन्ग था गंगूबाई काठियावाड़ी का ही मेरी जान, उस सॉन्ग के लिए इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। मेरा सवाल आपसे है कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड किसको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स में? जल्दी से जाइए, नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर से चेक करूँगा। वर्ल्ड वाटर डे को 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है, ताकि जो वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस है वाटर को लेके उसको दूर किया जा सके, उसको लेके लोगों को अलर्ट किया जा सके, और उसको लेके लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाई जा सके। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मनाना। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर पानी नहीं होगा तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारी धरती पे, इसीलिए वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो वाटर के लिए सफ़र कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है जिनको वाटर के बिना। तो हम सबको ये प्लेज करना चाहिए कि हम सभी जो हैं वो वाटर को कंज़र्व करेंगे और कम से कम उसकी वेस्टेज करेंगे। थैंक यू। आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको सभी के जो हैं वो आंसर करेंगे। थैंक यू। आई होप ये करेंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे और आप सभी ने नोटबुक और पेन के साथ इनके नोट्स भी बनाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।